Morning, students. Beta, today we have to start the new chapter, chapter number 4, linear equations in two variables, page number 66. Hurry up, take out page number 66, chapter number 4. Now, linear equation in two variables. What we understand from this word? Linear. Linear means क्या वो आवाज नहीं आ रही? व्हाट हैपेंड? हां जी अपरन मैम आंसर देना था. अच्छा, दो आंसर मैम. लीनियर से मतलब जिसकी पावर वन होगी और टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स होंगे जैसे एक्स और वाई. जैसे एक्स और वाई, राइट. तो आपने बेटा इन योर 8th class, what you have done? You have done such this type of equation, x plus 7 is equal to 9, है ना? ऐसी equations की है. इसमें variable क्या है? X. और इसकी power क्या है? 1. So this is an linear equation in one variable. ठीक है? Now what we have linear equation in two variables. जैसे टू वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं. जैसे मान लो x plus y is equal to 0, x plus 7y is equal to 8. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने होते हैं? दो. टू वेरिएबल्स बट दोनों में पावर क्या होती है? वन. इसके भी पावर वन, इसके भी पावर वन, पावर वन, पावर वन. पावर कैन नॉट बी टू. अगर किसी वेरिएबल की पावर टू हो जाती है तो फिर वो लीनियर नहीं बनता, वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, राइट? सो राइट डाउन द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई plus c is equal to 0, where x and y are variables, a is coefficient of x, b is coefficient of y, and c is any constant. ठीक है, आगे देखिए. आगे नाउ बेटा, इफ यू हैव दिस इक्वेशन 2x plus 5 is equal to 0. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है. इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? वन सॉल्यूशन, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन. क्या होगा? 2x is equal to minus 5. x कितना आ जाएगा? minus 5 by 2. ठीक है, बट व्हाट अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? Suppose I have x plus 2 is equal to y. This is also a linear equation in two variables. एक equation है जिसमें दो variables हैं. x और y. अब ये जरूरी नहीं होता कि x और y एक ही तरफ हो. x एक तरफ, y दूसरी तरफ पे हो सकता है. ठीक है, इसी equation को अगर हमें अपनी general form बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? x y इधर आके माइनस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. a क्या है? वन. y क्या है? सॉरी, b क्या है? माइनस. बन गई ना, पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट. ठीक है, सो x और y ऑपोजिट साइड भी हो सकते हैं. आई वाज सेइंग दैट इफ वी हैव दिस इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन वी हैव?
हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन वी हैव फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसका उसकी वैल्यू। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक वेरिएबल होता है, इसमें इसका सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू। अब इसमें इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो देखो बेटा, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक ही बात है ना। अगर मैं वाई को वन पुट करती हूँ, एक्स को वन पुट करती हूँ, तो वाई कितना आएगा, वन प्लस टू थ्री। मीन्स अगर एक्स वन है तो वाई कितना है, थ्री। दिस यू हैव वी हैव डन द कोऑर्डिनेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थर्ड चैप्टर हमारा यही था ना। हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स करवाए थे कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। तो अगर एक्स वन डाला तो वाई कितना आया, थ्री। एक्स को अगर मैं टू डालूंगी तो वाई कितना आएगा, फोर। एक्स को अगर मैं थ्री डालूंगी तो वाई कितना आएगा, फाइव। इसी तरह से मैं जितनी एक्स की वैल्यूज डालती जाऊंगी उतनी मेरे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। यस, इट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स डोंट रीड द मैसेज एंड एंटरिंग इन माय क्लास पीरियड नेक्स्ट है। यस स्टूडेंट्स ऑफ 7C, बेटा आपका पीरियड फोर्थ पीरियड है, आज सैटरडे है आज बेटा, आपका तो इंटर गेम भी नहीं हुआ। टुडे यू हैव फोर्थ पीरियड, प्लीज ज्वाइन योर क्लास अकॉर्डिंगली। आकृति, अर्जुन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक यू विल अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज रुपीज वाई, बिकॉज हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट इन टू वेरिएबल्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन, कहते द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। So this is the required equation. अगर जो पेन है वो 5 रुपीज का है तो नोटबुक कितने की होगी, उससे डबल है ना 10 की। अगर पेन कोई हमारा 1000 रुपीज का है तो नोटबुक कितने की है, 2000 की। So this is the required equation. Note down. फिर ऐसे ही आगे इक्वेशन आएंगे जिसमें आपने इक्वेशन बनाने की बनाकर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, पे बार है तेरा, ठीक है। नाउ कैसे लिखना है हमने इसको, ax प्लस by प्लस c मीन्स ऑल द टर्म्स आर ऑन वन साइड। सो आप लिखोगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, जब ये इधर 9.35 बार पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा माइनस का, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, जीरो। बस सीधा आंसर लिखेंगे, वेयर विच इज
इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज टू, बी इज थ्री एंड सी इज माइनस 9.35 बार, isn't it? X के साथ क्या होता है a, a कितना है 2, y के साथ b, b कितना है 3, c की वैल्यू क्या है प्लस होती तो प्लस 9.35 बार, अब माइनस है तो माइनस 9.35 बार इज द वैल्यू ऑफ c. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट. एक्स माइनस फाइव बाय फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो. नाउ बेटा इट इज योर विश इधर टू टेक द एलसीएम और कीप इट लाइक दिस ओनली. ठीक है, व्हाट यू विल डू, यू कैन सी एक्स के साथ क्या है, अब ये सारी टर्म एक साइड पे हैं, एक्स के साथ क्या है कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई वन. वाई के साथ व्हाट इज व्हाट सेकंड टर्म वी आर हैविंग माइनस वाई बाय फाइव, इट मींस व्हाट, इट मींस माइनस वन बाय फाइव इंटू वाई, है ना, माइनस वन बाय फाइव इंटू वाई. तो हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहां से माइनस वन बाय फाइव एंड द वैल्यू ऑफ c इज माइनस टेन. क्लियर, थर्ड पार्ट माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई सॉरी थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स. सो नाउ सिक्स इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसको इधर लेके आएंगे माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. हाँ जी, वेयर द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू, बी इज थ्री एंड सी इज माइनस सिक्स. एनी डाउट बेटा? If any doubt, you can ask. See the next part. X is equal to 3y. Just 1 minute. Now x is equal to 3y. Again, इसको कैसे लिखेंगे? x minus 3y is equal to zero. तो a x वाली टर्म हो गई, y वाली टर्म हो गई, c वाली टर्म की भी तो क्या है? कुछ नहीं है, तो इसको मतलब plus zero. चाहे आप सिंपल ऐसे लिखो, x minus 3y is equal to zero, which is in the form of ax. इसका मतलब क्या है, सारी टर्म्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर द वैल्यू ऑफ ए इज वन, बी इज माइनस थ्री, सी इज जीरो.
सो फिफ्थ पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. फाइव बाय लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस फाइव बाय, तो इधर प्लस फाइव बाय हो जाएगा. ए टू बी फाइव और सी जीरो. हाँ जी धीरेन. Ma'am, as in the general form, it is given ax and by. So why it is just c single there? C is constant. Oh, ma'am, the value of c can't be changed. बेटा c आपके पास constant है. अपनी मर्जी से आपको equation अगर आपको given है, जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसे given है, 4x प्लस फाइव वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स द कॉन्स्टेंट वैल्यू, द कॉन्स्टेंट नंबर इन विच इज नॉट विद एनी वेरिएबल, दैट इज नाइन. यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू. हाउ कैन यू चेंज? ओके मैम. कॉन्स्टेंट मीन अ नंबर विदाउट अ वेरिएबल, दैट्स इट. यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट. इफ नो कॉन्स्टेंट इज हियर इन द इक्वेशन, इट मीन्स इट इज जीरो. यू कैन नॉट राइट इट एज वन. ओके ओके मैम. म्यूट करो. सिक्स्थ पार्ट देखेंगे बेटा. 3x plus 2 is equal to 0. This is just the basic of this chapter. तो आपको पता हो कि what is linear equation in two variable is all about. 3x plus 2 is equal to 0. Now all the terms are in on the left hand side. You can see the term with variable x and you can see a constant. But there is no term with y. But what is the question? That we have to represent it in this form. अब इसको कैसे करेंगे? 3x अगर y वाली term नहीं है बेटे, तो y वाली term लिखनी है ऐसे. 0 in dot y means 0 multiply by y. y वाली term क्यों नहीं है? क्योंकि y का coefficient 0 था. coefficient variable से multiply होता है. जो coefficient variable से multiply हुआ, जीरो इंटू वाई बन गया जीरो. तो इसलिए उन्होंने वो वाली टर्म जीरो इंटू वाई करके नहीं लिखी. ठीक है. सो थ्री एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस टू, इट इज इक्वल टू जीरो. अदरवाइज इट इज व्हाट? इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इफ वी हैव टू राइट दिस एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन वी विल राइट लाइक दिस. बट इन एवरी केस व्हाट इज द वैल्यू? द कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज जीरो. वो y वाली टर्म आएगी नहीं. बट अगर क्योंकि हमने बोला है इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या है? जीरो. हियर सो व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax by c, वेयर द वैल्यू ऑफ a इज 3, b की वैल्यू क्या है? 0 एंड c की वैल्यू क्या है? 2. नोट कर लो. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है? y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. Again all the terms on the left hand side. ठीक है. Now बेटे, now we have to write again it in the form of ax plus by plus c is equal to zero. Now we cannot see any term with x. Why? Why there is no term with x? Because the coefficient of x was zero. So zero के साथ x multiply होके वो zero बन गया. So therefore it can be written as zero into x plus 1 into y, y के साथ क्या है? 1 minus 2, it is equal to 0. I hope it is clear to everyone. तो अब which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where the value of a is 0, b is 1 and c is minus 2.
कि द नेक्स्ट पार्ट बेटे 5 इज इक्वल टू 2x कैसे लिखें 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 यस एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ मितांश मितांश बेटे यू हैड रिसेस बिफोर दिस पीरियड यस और नो एंड इफ यू वांट टू हैव समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट हैव इट है ना इन द क्लास ड्यूरिंग द क्लास एंड इफ यू वांट टू हैव समथिंग देन प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो है ना वीडियो इज ऑन एंड यू आर हैविंग समथिंग That doesn't look nice. Otherwise, you should have in the recess. So 5 minus 2x is equal to 0. Now, beta, can I write like this? Minus 2x pehle. Y wali term nahi hai. So, main usko likhungi 0 into y. Minus 2x pehle likh diya. Plus y wali term nahi hai. Iska matlab 0 into y. 5 ke saath kya hai? Plus. Is it clear? Minus 2x पहले लिख दिया. There is no term containing y. It means it is 0 into y plus 5 is equal to 0. So therefore the value of a is minus 2, b is 0 and c is 5. ठीक है बच्चे. So this is all about the representation of linear equation in two variables. That is in the form of ax plus by plus c. Right. Next, we will talk about the solutions of the linear equation. So, everyone, open exercise 4.2. Now the first question, which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5. It has a unique solution. It has a only two solution or infinitely many solution. Hanji, what will be the answer? If we are having a linear equation in two variable, what is the answer? Yes, Jayati. Ma'am, third option, infinitely many solutions. Why? Ma'am, because for every value of x, there is some corresponding value of y. Yes. So if you have a linear equation in two variable, 3x plus 5 is equal to y in general. Okay? So how many solution it has? It has infinitely many solution. Why? Because for every value of x, there is a corresponding value of y. ठीक है? इसको हिंदी में तो नहीं लिख सकते ना कि हर एक value की x के लिए वही value of y हमें मिलेगी. So what you have to write? For every value of x, there is a corresponding value of y. जो x डालते जाएंगे, वो y आता जाएगा. या जो y डालते जाएंगे एक्स आता जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो लेट अस डू दिस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन We have to write the four solution. What do you mean by solution? Solution का मतलब होता है बेटे कि हमने x की चार values निकालनी है इसी के corresponding y की चार values निकालनी जैसे आप देखो इसमें क्या करना होता है जब हमने values निकालनी होती हैं if we are having
both the variables on one side, what we do, we take one variable on the other side. इसको हम ऐसे लिखते हैं y is equal to 7 minus 2x. Yes, Aparan? Mem 2x plus 7 equals to y. What 2x plus 7 is equal to y? Aparan, kya hua? Anji, Aparan, talk to me. मैम आंसर दे रही थी, मतलब सॉल्यूशन कौन कौन सा बन रहा है. सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपने इक्वेशन बना देनी है. आपने बोला 2x plus 7 is equal to y. What is that? मैम पर मतलब हमने ऐसे एक वेरिएबल की वैल्यू ही बतानी है कि वो क्या बनेगी, तो y की वैल्यू वो बनी सकती है 2x plus 7. ऐसे नहीं करना बेटा, कैसे आप बोल रहे हो. No. 2x plus 7 is equal to y, ऐसा कुछ नहीं है. आपने क्या करना है, अगर एक साइड पे दो दोनों वेरिएबल्स हैं तो आगे आ गया. मैम समझ आ गया, मैंने साइन गलत बोल दिया था. ठीक है तो ऐसे इक्वेशन नहीं बनानी. आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को उधर ले जाना है, चाहे आप y को ले जाओ चाहे आप x को ले जाओ. अब देखो, अगर मैं y को लेके जाती हूँ, 2x is equal to 7 minus y, फिर क्या होगा, मुझे 2 से डिवाइड डिवीजन में कुछ आ जाएगा, तो हमें वो डिवीजन अवॉइड करनी है, इसलिए हम 2x को उधर लेकर गए. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू डालते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी. आप इसको ऑरली भी कर सकते हो, अभी हम पुट करेंगे. पुट x is equal to 1, ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ये हमारे पास इक्वेशन है. पुट x is equal to 1, y कितना आएगा, 7 minus 2 into 1, 7 minus 2, y कितनी आ गई, 5. So, 4 solutions are, पहला क्या है, solution कैसे लिखते हैं, x, y. x की value क्या है, 1, y की value क्या आ गई, 5. Put x is equal to 2. What is y? 7 minus 2 into 2. 7 minus 4, 3. 7 minus 4, 3. So, second solution will be, agar x 2 dala, to y kitna a gaya? 3. Isi tarah se, agar x 3 dalenge, 3 2s are 6. 7 minus 6, 1. Matlab agar humne x 3 dala, तो y हमारे पास क्या आया, 1. तो जब आपने सॉल्यूशन लिखने हैं तब हमेशा x का x वाला नंबर पहले. अगर आपने गलती से जैसे x को 3 डाला तभी y आया ना, 7 minus 6, 1. अगर आपने गलती से इसको 1 3 कर दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा. उसका मतलब क्या है कि x को 1 पुट करके 3 आता है, 3 थोड़ी आता है, 5 आता है. तो जो वैल्यू x की है वो पहले. इसी तरह से अगर x को 4 पुट करते हैं, y देखो, 7 minus 2 into 4, 7 minus 8, answer is minus 1. So if I put x 4, I get the value of y as minus 1. So these are the four solutions. Yes, Ritika? मैम जान से हमने क्वेश्चन में 2x उधर लेके गए हैं 7 के साथ, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें इस साइड पे एक वो रखना होता है वेरिएबल, और दूसरी साइड हमने जिस जो नंबर के साथ वेरिएबल होता है वो लेके जाना होता है. वही उसी से इजी रहता है. अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रखो है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि y की कौन सी वैल्यू डालो और x की कौन सी वैल्यू डालो कि 7 आए, तो वो बहुत कंफ्यूजन वाला है. वैसे नहीं कुछ करना, ठीक है. आप कोई भी इक्वेशन, अभी कल और करेंगे, एज द टाइम इज ओवर राइट नाउ. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक वेरिएबल दूसरी साइड ले जाओ. कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसको ले जाओ, वरना फिर फर्दर उसको, अगर मैं सिर्फ वाई को लेके जाती तो मुझे फिर आगे टू से डिवाइड करना पड़ता. कर लेते डिवाइड अगर वैसे होता. कई बार दोनों के साथ कोफिशिएंट होता है,
तो फिर डिवाइड करना ही पड़ता है, जैसे आपके पास इसमें नहीं है, बट वी विल डू, आगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है? आगे आएंगे तब करेंगे, फिर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, देन विद बोथ द वेरिएबल्स वी आर हैविंग द कोएफिशिएंट। इससे क्या होता है, एक वेरिएबल इधर एक वेरिएबल इधर, एक की वैल्यू डालते जाओ दूसरे की वैल्यू आती जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, ठीक है बेटे? And yesterday some of you were asking me, ma'am, syllabus बता दो बेटा, syllabus बता दूंगी, जो chapter कर रहे हैं, जैसे triangles है वो आना ही आना है, Heron's formula आना ही आना है, Euclid नहीं आना, ठीक है? तो अभी तक आप इतने ही रखो, जो कर रहे हैं वो तो आना ही है, मैं आज बात करते हैं, फिर आपको syllabus लिख के दे दूंगी, ठीक है? Any doubt? चलो, Bell has gone. See you on Monday, बेटा. Take care.